हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कैसे आप लोग साइबरलिंक पावर डायरेक्टर 19 को, जो कि लेटेस्ट वर्जन है, आप लोग कैसे यूज कर सकते हो, कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर आप लोग को कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, और आप लोग को फाइल भी मिल जाएगी पावर डायरेक्टर की, जो कि लेटेस्ट वर्जन का। तो गाइस, वीडियो को फास्ट से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखो। सारी की सारी कम्प्लीट प्रोसेस मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, कैसे आप लोग ईजीली ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो, कैसे इंस्टॉल कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो, कैसे विदाउट वाटर मार्क। ओके, तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करी तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग आपके लिए हर दिन एक इंटरेस्टिंग और जेन्युइन कंटेंट लेके आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज, पहले आप लोग को चाहिए साइबरलिंक पावर डायरेक्टर की जो जीप फाइल आप लोग को चाहिए, तो इसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन पर लिंक को फॉलो करके जाके इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। और मैं बता दूं आपको, अगर आपका पहला जो वर्जन होगा, जो कि है 13, 15, 16, जो अभी यूज़ कर रही होगी ऑलरेडी, उससे पहले ऑन इंस्टॉल कर दो, उसके बाद इसे इंस्टॉल करना। ओके, तो सिंपल ये फाइल को डाउनलोड करने के बाद ना आपको उसके ऊपर राइट क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल के ऊपर सिंपल आपको क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पे ओके तो ओके के ऊपर क्लिक करोगे, ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फाइल ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, और थोड़ी देर में ये कम्प्लीट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो फाइल है ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, सिंपल उसके ऊपर डबल क्लिक करो, और जैसे ही डबल क्लिक करोगे ना तो आपके सामने तीन चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि साइबरलिंक पावर डायरेक्टर अल्टीमेट और क्रैक और रिडम। यहाँ पे आप लोग को तीन ऑप्शन मिलेगी, सिंपल आपको ये साइबरलिंक पावर डायरेक्टर 19.02 इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा और उसे इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। ओके, उसके ऊपर जैसे ही डबल क्लिक करते हो ना तो आपके सामने इस तरह की इंटरफेस आ जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे आई एग्री टू द लाइसेंस टर्म एंड कंडीशन के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को इंस्टॉल देखने को मिलेगी ऑप्शन। यहाँ पे आप लोग आपकी जो फाइल कहाँ पे रखना चाहते हो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो बेसिकली, और उसके बाद इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करो। ये कुछ समय लेगा इंस्टॉल होने में। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग को येस और नो की ऑप्शन देखने को मिलेगी, तो सिंपल आपको येस के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे येस के ऊपर क्लिक करोगी, यहाँ पे आप लोग की जो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टॉलिंग साइबरलिंक पावर डायरेक्टर 19 यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप लोग को सिंपल नेक्स्ट और एक्सेप्ट, यहाँ पे थोड़ी स्क्रॉल कर लो, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आप लोग को देखने को मिलेगी सिंपल, और यहाँ पे एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करोगी। जैसे ही क्लिक करोगी, यहाँ पे जो इंस्टॉलिंग प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, तो ये कुछ टाइम लेगा जो कि इंस्टॉल कम्प्लीटली होने में। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो 100% कम्प्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग लॉन्च पावर डायरेक्टर के ऊपर सिंपल आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही लॉन्च पावर डायरेक्टर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जो पावर डायरेक्टर होगी वो लॉन्च हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पेज होगा स्टार्टस इंस्टॉलिंग यहाँ पे देखो स्टार्टस यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, और यहाँ पे जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे आप लोग एक्सेस इजीली कर सकते हो। बट यहाँ पे देखो स्टार्टस तभी आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे साइबरलिंक पावर डायरेक्टर जो फाइल है उसके ऊपर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे क्रैक के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे उसको आप लोग कॉपी करो या कोड जो भी करना चाहो कर सकते हो। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ,
और उसके बाद आप लोग साइबर लिंक जो है ना, यहाँ पे उसके ऊपर आप लोग को राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन के ऊपर आपको सिंपल क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो फाइल आप लोगों ने कॉपी करा था सिंपल यहाँ पे लाके आप लोग पेस्ट करना पड़ेगा और कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर आप लोग को क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो कि वो फाइल है ना, यहाँ पे आप लोग ऑलरेडी ये हो चुकी है, पेस्ट हो चुकी है। ओके, ये रजिस्ट्रेशन फाइल है, यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट हो चुकी है। सिंपल अभी आप लोग अगर उसे यूज़ करोगे तो आप लोग का जो वाटरमार्क अभी नहीं है। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि ये कैसे एक्चुअली वर्क कर रहा है। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हो ये जो फाउल डायरेक्टर 19 यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी। वह जो भी मोड अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो बेसिकली कर सकते हो। हम लोग अभी फुल मोड के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये एक्चुअली काम करता है। आप लोग देख सकते हो जो कि बहुत सारे फीचर्स के साथ ही आप लोगों को देखने को मिलेगी जो साइबर लिंक पावर डायरेक्टर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि उससे भी बेटर परफॉर्मेंस इसके अंदर आप लोगों को मिलने वाला है। तो हम लोग एक काम करते हैं, छोटी सी एक वीडियो को यहाँ पे हम लोग एडिट करके देखते हैं। ओके, छोटी सी ये वीडियो है और हम लोग अभी उसे प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग की जो रेजुलेशन यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करो, और उसके बाद इसके ऊपर मैंने क्लिक करा। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी वाटरमार्क यहाँ पे आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। सिंपली सक्सेसफुली आप लोग इस तरह से आप लोग पावर डायरेक्टर को यूज़ करो और विदाउट वाटरमार्क के आप लोग वीडियो एडिट कर सकते हो वेरी इजीली। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। अब भी आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे फाइल अपन फाइल लोकेशन के ऊपर जैसे क्लिक करोगे ये रही आपकी जो वीडियो। सिंपल मैंने उस वीडियो के ऊपर क्लिक करा और उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वीडियो वाटरमार्क अभी आ रहा है या नहीं। यहाँ पे देख सकते हो वीडियो की वाटरमार्क बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ओके, तो गाइज ये था कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कैसे आप लोग पावर डायरेक्टर को यूज़ कर सकते हो। बेसिकली अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है पावर डायरेक्टर को इंस्टॉल करना, सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट करना, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो, हम लोग आपकी कमेंट की जरूर रिप्लाई देंगे। तो गाइस ये कुछ था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।